अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कायनात के बारे में कि ये कायनात कितनी बड़ी है और इस कायनात में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा है। वैसे तो अल्लाह की शान को हम बयां नहीं कर सकते जिसके यकीनन वो लायक है, लेकिन अगर फिर भी अल्लाह की शान को हम बयां करने की कोशिश करें, अल्लाह की तारीफ करने की कोशिश करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों बस एक अल्फाज सामने आते है, अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी हमारी सोच से भी परे, जिस बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते वो उससे भी बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह की कुदरत के बारे में, अल्लाह के उस करिश्मे के बारे में जो यकीनन पूरी कायनात के अंदर नजर आती है। जर्रा जर्रा यकीनन अल्लाह की कुदरत है, जर्रे जर्रे पर यकीनन अल्लाह का करिश्मा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कायनात के अंदर कोई भी चीज मौजूद है वो यकीनन अल्लाह ही ने पैदा की है और उसको बनाने वाला यकीनन अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो यकीनन एक मच्छर भी बना सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने अल्लाह की शान को बयां करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आधे में ही मिस कर दिया, आधे में ही छोड़ दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यकीनन आप नहीं जान पाएंगे, यानी अल्लाह की शान को आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर दोस्तों मैं आसान भाषा में इस कायनात के बारे में बात करूं कि ये कायनात कितनी बड़ी है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि इस कायनात के अंदर 97% यानी 97% अंधेरा है, सिर्फ 3% रोशनी है और हमारी आंखें उन्हीं चीज को देख सकती हैं जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है। आपको बता दूं, इन 3% में से जर्रा बराबर अब तक साइंटिस्ट ने खोज किए। नासा का ये कहना है कि अब तक हमने जितने भी सितारों की खोज की है, अगर हम उनको गिनने के लिए बैठें तो कम से कम हमें 300 अरब साल लगेंगे उनको गिनने के लिए, यानी इस कायनात का 1% भी खोजा नहीं गया है, लेकिन अगर उसको गिनने के लिए बैठें तो 300 अरब साल लग जाएंगे। आइए अब हम इस कायनात के बारे में बात कर लेते हैं। जितना भी नासा ने खोज की वो यकीनन इस कायनात का 1% भी नहीं है। हमारी जो जमीन है वो एक आदमी के रहने के लिए करोड़ों खरबों गुना ज्यादा बड़ी है। ये जो आप चांद देखते हैं ये जमीन का 1/4 है, लेकिन दोस्तों इस जमीन से भी एक चीज बड़ी है जो यकीनन सूरज है। सूरज यकीनन जमीन से 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों इस कायनात में सूरज से इतने बड़े बड़े सितारे हैं जिनके मानिंद अगर सूरज को देखा जाए तो एक नुक्ता नजर आता है। आपको बता दूं, इस कायनात में करोड़ों खरबों सितारे हैं और उन सभी सितारों से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है, और हमारी जो गैलेक्सी है वो इतनी बड़ी है कि अगर हम लाइट की स्पीड जो करीब करीब है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप सोचिए कि अगर हमने कोई ऐसी मशीन बना ली जो यकीनन लाइट की स्पीड से चलती होगी, तो भी मेरे प्यारे दोस्तों हमें अपनी गैलेक्सी को पार करने में 10 लाख लाइट ईयर लग जाएगा। हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि हम कब पहुंचेंगे वहां पर, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि कितना दूर है। और मैं आपको बता दूं, इस कायनात में ऐसे ही करोड़ों खरबों गैलेक्सी मौजूद है और ऐसे ही करोड़ों खरबों गैलेक्सी को मिलाकर एक क्लस्टर बनता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस कायनात में ऐसे ही करोड़ों खरबों क्लस्टर मौजूद है और सभी क्लस्टर को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है, और इस कायनात में ऐसे ही करोड़ों खरबों सुपर क्लस्टर मौजूद है। तो कायनात कितनी बड़ी है इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। यानी मेरे प्यार दोस्तों, साइंटिस्ट ने जितना भी खोजा, जितना भी ढूंढा, वो कायनात का 1% भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच से कितना ज़्यादा है, हमारी सोच से कितना ज़्यादा परे है कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अक्सर हम एक बात बोलते हैं कि अल्लाह हम सबसे बड़ा है, यानी एक मखलूक को हम अल्लाह से कंपेयर करने लगते हैं। यानी मेरे प्यार दोस्तों, कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सभी अल्लाह ने बनाया है और हम अल्लाह को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आप जान लीजिए कि अल्लाह कोई चीज़ नहीं है, वो जिस्म से पाक है। जिस तरीके से मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैली होती है, उसी तरीके से अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है और इतना करीब है कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह को ना नींद आती है, ना थकान आती है, ना ख्वाब आता है और ना ही उसको किसी का खौफ है। वो यकीनन इतना बड़ा है कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह को तारीफ जो है बहुत पसंद है। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी तारीफ को बयां करवाया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अल्लाह को पसंद है वो तारीफ पसंद है। बेशक अल्लाह की तारीफ इस कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान अल्लाह की तारीफ करता है तो यकीनन अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इसलिए अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह की तारीफ किया करो। अगर अल्लाह आपसे राजी हो गया तो यकीनन आपकी आखिरत सवर जाएगी। यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सभी मखलूकों में
सबसे ज़्यादा अफजल। तो आइए अब हम अल्लाह की हमदो सना को बयान करते हैं। क्या ये बात आपको मालूम है, ज़मीन जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है और सूरज का एक चक्कर लगाने में ज़मीन को करीब 365 दिन लग जाते हैं। ज़मीन जो है वो सूरज का चक्कर तो लगा रही है लेकिन साथ ही साथ वो अपना भी चक्कर लगा रही है और ज़मीन को अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब करीब 24 घंटा लग जाता है, यानी ज़मीन जो है वो घूमती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ज़मीन की जो स्पीड है घूमने की, यानी मेरे प्यारे दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह की शान देखिए, हमें ज़र्रा बराबरी महसूस नहीं होता है कि ज़मीन घूम रही है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सोची कि ज़मीन अगर नहीं घूमती तो क्या होता? यानी मैं आपको बता दूँ, ज़मीन के घूमने की वजह से ही दिन और रात बनता है। अगर ज़मीन नहीं घूमती तो यकीनन जहाँ पर दिन होता वहाँ हमेशा दिन ही रहता और जहाँ पर रात होती वहाँ पर हमेशा रात ही होती। इसकी वजह से होता ये कि लगातार सूरज की गर्मी पड़ने की वजह से ज़मीन जो है एक हिस्सा जो होता उसका वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता और दूसरा हिस्सा जो है वो ठंड की वजह से, यानी वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वो यकीनन बर्फ़ में तब्दील हो जाता। अगर ज़मीन के ऊपर कोई जानदार चीज़ होती तो यकीनन वो हलाक हो जाती। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को घूमता हुआ बनाया। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? क्या आपने ये बात कभी सोची कि ये जो ज़मीन है ये सूरज से दूर क्यों नहीं जाता है और सूरज के करीब क्यों नहीं आता है? तो आपको बता दूं, सूरज के अंदर ग्रेविटी मौजूद है, इस वजह से सूरज जो है वो ज़मीन को दूर जाने नहीं देता है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि ज़मीन जो है वो सूरज का चक्कर लगा रही है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कभी उसके करीब नहीं जाती है। अगर ज़मीन अपने दायरे को छोड़कर सूरज के करीब जाती तो यकीनन सूरज में जाकर फना हो जाती, जल जाती। अगर ज़मीन सूरज से दूर चली जाती तो ज़मीन जो है वो ठंडी पड़ जाती, बर्फ़ का गोला बन जाती और ज़िंदगी दोनों ही सूरत में यकीनन ख़त्म हो जाती। अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ने ज़मीन को उस जगह पर सेट किया है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। बेशक ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो तुम अपने रब के कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? और आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि सूरज और चाँद को अगर हम देखते हैं तो दोनों एक ही साइज़ के नज़र आते हैं। इसमें भी यकीनन अल्लाह की शान शामिल है, यानी अल्लाह की कुदरत शामिल है। बेशक अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। जबकि सूरज जो है ज़मीन से करीब 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है और जमीन का एक चौथाई चांद है, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे जगह पर दोनों को सेट किया कि दोनों हमें एक ही साइज के नजर आते हैं। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? बेशक नहीं कर सकता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया कि अगर चांद नहीं होता तो क्या होता? तो यकीनन जमीन के ऊपर रात में इतना अंधेरा हो जाता कि हम अपने हाथ की कलाई को भी देख नहीं पाते। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर चांद नहीं होता तो हमारा जो दिन होता वो 7 से 8 घंटे का होता। चांद के अंदर जो ग्रेविटी है वो यकीनन जमीन की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है, इसकी वजह से यकीनन जमीन जो है वो आहिस्ता घूमता है। लेकिन अगर चांद नहीं होता तो जमीन बहुत तेजी के साथ घूमता, जमीन इतनी तेजी के साथ घूमता कि मौसम में बहुत जल्दी तब्दीली आती। कुछ ही घंटों के अंदर बरसात आ जाती, कुछ ही घंटों के अंदर सर्दी आ जाती, कुछ ही घंटों के अंदर गर्मी आ जाती। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने चांद को बनाया। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और आपने कभी ये बात सोची कि अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? हम सोचकर ही यकीनन हवा में उड़ने लगते हैं। जमीन के ऊपर कोई भी चीज मौजूद होती तो यकीनन वो हवा में उड़ जाती, यानी जमीन के ऊपर जितना भी पानी होता वो हवा में उड़ जाता। जमीन पर ग्रेविटी ना होने की वजह से कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही बारिश की जो बूंदे होती हैं वो जमीन पर आती हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो बारिश के बूंदे जो हैं वो जमीन पर कभी नहीं आती और कभी बरसात नहीं होती। और ग्रेविटी की वजह से ही जमीन जो है आपस में जुड़ी हुई है। अगर ग्रेविटी ना हो तो यकीनन जमीन जो होती वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, बिखर जाती, जिसकी वजह से यकीनन जमीन जो है वो फट जाती और ज़िंदगी का अंत हो जाता। तो यकीनन ज़िंदगी के लिए ग्रेविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? बेशक बड़ी शान वाला अल्लाह है। अच्छा, कभी आपने ये बात सोची है कि अगर ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ज़मीन के ऊपर पानी नहीं होता, क्योंकि पानी जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनता है। इसी वजह से ज़मीन के ऊपर कहीं भी पानी मौजूद नहीं होता। साथ ही साथ ऑक्सीजन ना होने की वजह से हम किसी की बात को नहीं सुन पाते और ना ही हम कुछ बोल पाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। सोचिए कि अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन रखा है ज़मीन के ऊपर, लेकिन बावजूद इसके कभी ये ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया कि पेड़ पौधे जो हैं
वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती है और ता कयामत तक नहीं पड़ेगी। ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बना सकता है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? ऑक्सीजन ना होती तो यकीनन जमीन के ऊपर जिंदगी ना होती। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ऑक्सीजन बनाया। हर चीज़ के अंदर अल्लाह की हिकमत शामिल है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने बिला वजह नहीं बनाई। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि तुम मेरी निशानियों को जाकर देखा करो, इससे तुम्हारा ईमान ताज़ा होगा। हर चीज़ के अंदर अल्लाह की कुदरत शामिल है। हर चीज़ में यकीनन अल्लाह का करिश्मा है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोस्तों, वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सअप, भाई बहन, रिश्तेदारों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं आप सभी के लिए, इसलिए आप हमारे चैनल आई लव मदीना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।